जय श्री राम। आज मैं जो टॉपिक के साथ आया हूँ वो है VVI शॉर्ट सीरीज 4। देखिए, मैं 12th के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, उनके लिए मैं VVI जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में जो पूछे जाते हैं, उसका मैं एक सीरीज दे रहा हूँ, जिसमें कि प्रत्येक सीरीज में क्या होता है, प्रत्येक एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन का शेड्यूल देता हूँ, जिसमें 10 क्वेश्चन को मैं आपको 10 से 12 मिनट 15 मिनट में डील करता हूँ, और उसे एग्जाम में आपको 30 से 50 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले, अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे खुशी की बात है कि आप लोगों ने बहुत जल्दी ही मेरे चैनल को, एजुकेशनल चैनल को, 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब अगला टारगेट आप लोग खुद सेट कीजिए कि यहाँ पे कितना सब्सक्राइबर तक इसे आपको पहुंचाना है। तो 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण की खुशी में फिर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज दे रहा हूँ, इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। और सबसे खास बात का जो टॉपिक मैं समझाऊँगा, उस समय आप कंसंट्रेट होकर टॉपिक को समझिएगा। और जो अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि यदि ये 15 मिनट में 500 लाइक आप लोगों ने नहीं दिया मेरे इस वीडियो को, मेरे इस ऑनलाइन क्लास को, तो मैं अगला दिन से आपको लाइव क्लास नहीं दूंगा। और यदि किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं देख कर तुरंत उसका प्रत्युत्तर दूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम गंवाए हुए। यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है अनिषेक फलन। ये क्वेश्चन क्या है? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन देखिए, नाम से स्पष्ट है, अ मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन, यानी क्या, बिना निषेचन के ही फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन क्या हो गया? जब किसी फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं, अर्थात परागण की क्रिया नहीं होगी, और परागण हुआ भी तो परागकण क्या होगा, अंडाशय में आकर अंडव से संयुक्त नहीं होंगे, और अंडाशय क्या कर लेगा, फल का निर्माण करेगा, उसे अनिषेक फलन कहते हैं। दूसरा लेते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को अंग्रेजी में मल्टीपल इम्ब्रियो भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहु मतलब होता है बहुत, बहु मतलब क्या होता है, बहुत होता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, क्लास में भी कई बार मजाक में कहा कि बहू आई, और सबका शिकायत क्या रहता है कि बहू आई नहीं, घर बट गया। अरे भाई, बहू आएगी तो अपना लक्षण दिखाएगी, बहू मतलब बहुत, तो जब तक घर बटा नहीं तो फिर बहू कैसे। खैर, उस टॉपिक को वहाँ रहने दीजिए, चलिए मैं यहाँ आता हूँ। बहुभ्रूणता, बहु मतलब बहुत और भ्रूणता मतलब भ्रूण का होना। समानता क्या होते हैं? एक बीज में एक भ्रूण होते। समानता क्या होते हैं? एक बीज में एक भ्रूण होते, लेकिन जब कभी भी एक भ्रूण, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो तो उसे बहुभ्रूणता कहते, उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और नींबू के बीज में बहुभ्रूणता उसके अंकुरण के समय भी देखी जा सकती है। ठीक, चलिए अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है आपका, ट्रांसलेशन है। अगला जो टॉपिक है ट्रांसलेशन है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ट्रांसलेशन। इसमें होता क्या है कि मैसेंजर RNA द्वारा DNA से सूचना को लाया जाता है। क्या किया जाता है? मैसेंजर RNA, mRNA द्वारा DNA पर से सूचना लाया जाता है, और उस सूचना का रूपांतरण किस में हो जाता है? एमिनो एसिड में हो जाता है। उस सूचना का रूपांतरण किस में हो जाता है? एमिनो एसिड में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आप इसे कह सकते हो ट्रांसलेशन क्या है कि मैसेंजर RNA द्वारा लाए गए सूचना, DNA मैसेंजर RNA द्वारा लाए गए सूचना से एमिनो एसिड निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। और मैसेंजर RNA सूचना कहाँ से लाता है? तो DNA से लाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत अच्छा सा टॉपिक है। यह क्या है कि DNA टेम्पलेट पर, क्या बोल रहे हैं, DNA टेम्पलेट पर। टेम्पलेट किसे कहते हैं? DNA का दो हेलिक्स है, जब वो अलग होता है तो आपस में टेम्पलेट कहलाते हैं। तो हम क्या करें, DNA टेम्पलेट पर RNA निर्माण की प्रक्रिया को, DNA टेम्पलेट पर RNA निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब अगला पांचवा जो है वो है आपका बहुविकल्पता। पांचवा जो है वो क्या है? बहुविकल्पता है। क्या कहता है?
बहुविकल्पता का तात्पर्य क्या होता है कि जब एक से अधिक विकल्प हो, समान रूप से यदि हम कहेंगे तो बहुविकल्प मतलब एक से अधिक विकल्प। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, होता क्या है कि किसी लक्षण के लिए कम से कम दो एलील होते हैं। जैसे लंबापन के लिए क्या हो जाएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, या मानिए कोई बौना है तो उसमें दोनों क्या रहेगा, स्मॉल टी रहेगा। यदि शुद्ध लंबा है तो दोनों कैपिटल टी रहेगा। लेकिन देखिए कि लंबापन के लिए दो विरोधी एलील में है, एक क्या है कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है, तो ये दो एलील हो गए। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, तो मल्टीपल बहुविकल्पता मतलब क्या हो गया कि जब किसी लक्षण के लिए दो से अधिक एलील मौजूद होते हैं, यानी दो से अधिक एलील द्वारा कोई लक्षण निरूपित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुविकल्पता करते हैं, मल्टीपल एलील्स के रूप में भी जानते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, और इसीलिए मैं इसको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए अभी तक देखिए आप लोग के लाइक की संख्या 100 नहीं पहुँची है, 6 मिनट 12 सेकंड हो गया है, अभी तक 100 लाइक नहीं पहुँचा है। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर मैं अगले दिन से ऑनलाइन क्लास नहीं दूंगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, राम का नाम लीजिए और फटाफट लाइक दबाइए। लाइक दबाने में आपका पैसा नहीं जाएगा लेकिन मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसी तरह लगे रहिए, दबाते रहिए, मैं देख रहा हूँ कि कितना आप लाइक दिए। चलिए आते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब हम लोग समझ जाते हैं क्या कि प्रयोगशाला में ही या किसी ट्यूब में ही पूरा का पूरा बच्चे का विकास किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये क्या है, IVFET तकनीक द्वारा, क्या इसका पूरा नाम हुआ, इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक द्वारा जनन और सक्षम जोड़े को क्या किया जाता है, संतान प्रदान करने की एक विधि है। इसमें होता क्या है कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट को प्राप्त किया जाता है और प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यमों में दोनों को, मेल गेमिट शुक्राणु और फीमेल गेमिट अंडाणु को निषेचित कराया जाता है। उसको कहाँ तक विकास कराते हैं, इम्ब्रियो तक विकास कराते हैं और फिर उसे फीमेल के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं, और डॉक्टरी देख रेख में क्या होता है, गर्भकाल पूरा होने पर संतान को प्राप्त किया जाता है, उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगला सातवां है GMO। देखिए GMO तीन शब्द से मिलकर बना है, जी फॉर जेनेटिकल, एम फॉर मॉडिफाइड, ओ फॉर ऑर्गेनिक। मतलब ये क्या है, इसका पूरा नाम पहला लाइन लिखिएगा कि GMO इसका पूरा नाम जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, अर्थात ये क्या है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव है। क्या करें, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा क्या करते हैं, दोषपूर्ण जीनों को निकालकर अच्छे जीनों को प्रविष्ट कराकर जो नया जीव तैयार किया जाता है उसे हम लोग GMO कहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके द्वारा कई फल एवं सब्जियों का उन्नत किस्म प्राप्त किया जा चुका है, कई सारे जंतुओं को विकसित किया जा चुका है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा GM प्लांट क्या है, तो कहोगे कि आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधों को क्या कहेंगे, GM प्लांट कहेंगे। फिर जंतु पूछेगा GM एनिमल क्या है, तो वही कहोगे आनुवंशिक रूपों से जो उन्नत जंतु तैयार किए गए उसे GM जंतु कहेंगे, या कह सकते हो जेनेटिकल मॉडिफाइड एनिमल कहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग आठवां क्या है, यौन संचरित रोग। देखिए इसको मैंने एक और वीडियो में मैंने डाला है और डिजीज में भी मैंने स्पेशली मैंने आपको बताया है, तो फिर भी मैं इसको बताता हूँ। देखिए इसका अंग्रेजी में नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और देखिए हिंदी में स्पष्ट नाम है यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग का तात्पर्य क्या हो गया कि लैंगिक क्रियाओं के द्वारा फैलने वाले रोग को यौन संचरित रोग कहते हैं। तो कैसे फैलेगा, लैंगिक क्रिया द्वारा, तो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलने वाले रोग को यौन संचरित रोग कहते हैं। तो इसमें देखिए बहुत गोनोरिया हो गया, आप एड्स वगैरह कह सकते हो, ये सब क्या है, यौन संचरित रोग है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन
का जवाब उतना ही आसान क्या है इसमें, पौधों या जंतुओं के कुछ कोशिकाओं को या कोशिका समूह अर्थात उत्तकों को लेकर उसे कृत्रिम वृद्धि माध्यम में संवर्धित करते हैं, इसी को उत्तक संवर्धन कहते हैं। पौधे के सेंस में आप ये भी लिख सकते हैं कि पौधे के कम उत्तकों को लेकर कृत्रिम वृद्धि माध्यम में वृद्धि कराकर उससे नया पौधा भी तैयार कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में है क्या उत्तक संवर्धन, मतलब उसे विकसित करना, उसे बढ़ाना। तो क्या बता रहा हूँ कि पादप या जंतुओं के कुछ उत्तकों को लेकर कृत्रिम वृद्धि माध्यमों में रखकर उससे क्या करना है, ज्यादा मात्रा में उत्तकों को प्राप्त करना, पौधे के रूपों में नए पौधों का विकास भी करना, ये सब क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। ध्यान रखिएगा आप जो दसवां जो क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु, दसवां क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु। तो ध्यान रखिएगा ट्रांसजेनिक जंतु भी GMO ही है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी है। लेकिन इसका आंसर आपको कैसे लिखना है कि किसी भी जंतु के जीनोम में विदेशी जीन को लाकर, विदेशी मतलब उस जंतु का नहीं, किसी दूसरे जंतु के अच्छे जीन को लाकर सम्मिलित कर देते हैं, मिला देते हैं, उसके जीनोम में मिलाते हैं और फिर उस जीव का विकास कराया जाता है, उस नए जंतुओं का विकसित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि कोई गाय 20 लीटर दूध दे रही है लेकिन उसके दूध का क्वालिटी अच्छा नहीं है। अब क्या कि दूसरे जाति के गाय के जीन को लिए जिसका क्या दूध का क्वालिटी अच्छा है, उसको क्या किया, गाय के साथ गाय के इस जीनों में जो पहला गाय है उसके जीनों में मिला दिया, या क्रिया हमेशा सोमेटिक सेल में होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, उसमें मिला दिए। अभी तक के रिसर्च के मुताबिक क्या है कि ट्रांसजेनिक जो जंतु का जो विकास किया जाता है तो वो सोमेटिक कोशिकाओं में नए जीन को प्रविष्ट करा के किया जा रहा है। तब इससे क्या हुआ कि अब जो आपको किस्म मिला उसमें ज़्यादा दूध भी दे रहा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है। अब देखिए एक और मैं प्रयोग बताता हूँ कि इससे भी उन्नत रूपों से यदि जंतु छोड़ के यदि पादप में मैं बात करूँ तो क्या कर रहे हैं कि मक्का में क्या करें, गन्ना का मिठास वाला जो जीन है उसको लाक मिला रहे। देखिए गन्ना अलग पौधा हो गया, मक्का अलग हो गया, तो क्या होगा, विदेशी हो गया, गन्ना से लाया गया जो जीन होगा मक्का के लिए विदेशी हो गया। तो यानी क्या कह रहे हैं कि किसी जंतु के जीनोम में दूसरे जंतु के, दूसरी जाति के, या कह सकते हैं क्या एक ही जाति में अलग कृत्रिम रूपों में भी लाना हो सकता है, तो दूसरे जाति के जीवों के जीन को लाके मिलाते हैं और फिर जंतु का विकास किया जाता है, उसे ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आज भी आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और बहुत आसान शब्दों में 10 क्वेश्चन का आपने आंसर सीखा है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छे वीडियो आपको देता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।